नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज, देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ आइए चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार की। जाली नोट छापने वाले गिरोह के दो सदस्यों को किया गया गिरफ्तार। व्यापार मंडल अध्यक्ष व्यापारियों समेत अनशन। शिक्षा देने वाले गुरु को भगवान माना जाता है, परंतु वही गुरु बन गया हत्यारा। गोपाष्टमी के अवसर पर गौ सेवक रविंद्र गुप्ता कमलापुरी ने की गौ माताओं की पूजा। अनियंत्रित बाइक खंबे से टकराई, एक की मौत, दो घायल। ये तो गुजैनी गांव में गाय को लेकर हुआ विवाद। विस्तार से, सुरेरी पुलिस ने जाली नोट छापने वाले गिरोह के दो सदस्यों को किया गिरफ्तार। इनके पास से 27 जाली नोट छापने में प्रयुक्त होने वाले उपकरण व अन्य सामानों के अलावा बाइक भी हुई बरामद। गिरोह के दो अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी पुलिस, कई स्थानों पर की छापेमारी। समझा नहीं बताओ उनके नाम से। ठीक हुआ, पूरा टेबल आ जाए, एक बार तीस ले लेंगे सब। आ जाए बस, इतने पर आ गया भैया। कम देखा इसी पे, वो दूर से ले लीजिए। पर रख लिया का अब भाई, सुनारी ज्यादा कम समझ में आता। कहो तोहरे चौकी क्षेत्र का आदमी ऐसे हो गए। एक रु हटा तनी यार, हट बे, फिर वहीं से जोन का कुल ले ले। मरे बे तू ना ए सेठ जी। कानपुर जनपद में व्यापारियों के साथ हुई चोरी, लूट और डकैतियों की घटनाओं का खुलासा न होने से व्यापार मंडल अध्यक्ष व्यापारियों समेत बैठे अनशन पर। कानपुर जनपद में व्यापारियों से हुई चोरी, डकैती व लूट जैसी घटनाओं का खुलासा न होने पर शासन प्रशासन के खिलाफ उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष महेश वर्मा आज सैकड़ों व्यापारियों के साथ आमरण अनशन पर बैठ गए। जिला अध्यक्ष ने बताया कि जब तक हमें उचित न्याय नहीं मिलेगा, हम जल ग्रहण नहीं करेंगे। कानपुर की पुलिस हमें सिर्फ आश्वासन देती रहती है, पर हमारी समस्याओं को ठंडे बस्ते में डालती रहती है। आज थक हार कर कानपुर के शासन के व प्रशासन के खिलाफ हमें शंखनाद करना पड़ा। जिला महामंत्री रजत पांडे ने बताया कि वर्षों से चल रहे यह मामले थानों और चौकियों में धूल फांक रहे हैं। जब उन पर पूछताछ की जाती है तो जवाब मिलता है कि कार्यवाही चल रही है। आखिर कब तक सिर्फ कार्यवाही व आश्वासन मिलता रहेगा? देखिए, ये आदर्श व्यापार मंडल वालों ने एक ये धरना दिया था। इसमें इनकी कुछ मांगे हैं, जिसमें नियमित रूप से थानों पर और सर्किल लेवल पे व्यापारियों के साथ सुरक्षा करने की और इनके साथ जो साइबर क्राइम घट रहे हैं उसमें इनकी मदद करने के लिए कहा गया है।
वो ऑलरेडी एक्टिव है, हो सकता है किसी कारण से अभी देहात में या शहर कुछ जगहों पर क्रियान्वित ना हुआ हो, तो उसे हम लोग देख लेंगे। कुछ घटनाओं का उल्लेख किया गया है जो 2017-18 की भी है, तो वो भी नए सिरे से हम लोग समीक्षा कर लेंगे। हो सकता है कि उसमें से कुछ वर्कआउट भी हुई हो, हो सकता है वर्कआउट ना हुई हो, तो उसको नए सिरे से देख लेंगे और उन घटनाओं का वर्कआउट कराएंगे। अच्छा, ये लोग लगातार इस बात के लिए बोल रहे हैं कि जो है पुरानी घटना है, तमाम उनका खुलासा नहीं हुआ, उसके बाद जिनका खुलासा भी हो वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है लोग, इस पर क्या करेंगे आप? देखिए, जिन मामलों का खुलासा हुआ है वो इस कारण से संतुष्ट नहीं है, संभवतः रिकवरी कम हुई होगी इसलिए ऐसा हुआ होगा, तो उन मामलों की भी समीक्षा कर लेंगे। अभी आने वाले समय में क्या एक्टिविटी की, मतलब क्या रणनीति आप लोग जो है वो बनाएंगे जिसकी वजह से जो है व्यापारियों को लगे कि वो सेफ है? देखिए, इनके साथ एक तो रेगुलर मीटिंग जो है हमारे थाना लेवल पे होगी, इसके निर्देश भी अधिकारियों के द्वारा दिए गए हैं। तमाम थानों पर होता भी रहता है, लेकिन अभी सुनिश्चित कराएंगे कि 70 थानों पर और जो गस्टेड ऑफिसर्स के लेवल पे इनके साथ नियमित बैठक होती रहे व्यापारी प्रकोष्ठ की, और इनकी जो समस्याएं हैं उनको प्राथमिकता पे अभी भी सुनी जाती है, लेकिन वो और एक्टिवली इनको जो है लगे कि हमारी चीज़ों को सुना जा रहा है, इससे उसका हम लोग इंश्योर करें। शिक्षा देने वाले गुरु को भगवान माना जाता है, परंतु आज वही गुरु बन गया हत्यारा। हाँ, हरदोई के सीतापुर रोड पर पकड़िया ग्राम में प्राथमिक विद्यालय में एक अध्यापक ने अपनी सहायक अध्यापिका को मारी गोली। अध्यापिका का नाम आराधना बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने एसपी ने जांच की, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा मौजूद अध्यापक को गिरफ्तार कर लिया गया है, तथा यह भी बताया जा रहा है कि आगे की कार्यवाही भी जारी है। कानपुर के अंतर्गत पढ़ने वाले प्राथमिक विद्यालय पकड़िया में आज एक पुरुष अध्यापक के द्वारा महिला अध्यापक को गोली मार दी गई, जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गई, बाद उनकी मृत्यु हो गई। यह जांच प्रकाश में आया है कि पुरुष इन लोगों के बीच में मधुर संबंध रहे हैं, और विवाद होने पे इन लोगों के बीच के द्वारा शिक्षा विभाग में शिकायत की गई व शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा इनकी इस प्रकरण की जांच भी की जा रही थी। घटना के संबंध में अभी की गिरफ्तारी के सारे प्रयास किए जा रहे हैं। गोपाष्टमी के अवसर पर गौ सेवक रविन्द्र गुप्ता कमलापुरी ने की गौ माताओं की पूजा। भगवतीगंज गौशाला में कार्यरत गौ सेवक को किया गया सम्मानित। बलरामपुर भगवती गंज में गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर भगवतीगंज गौशाला मंदिर में गौ पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिले के गौ सेवक रविन्द्र गुप्ता कमलापुरी ने कार्यक्रम में गौ सेवकों को अंग वस्त्र पहनाकर उन्हें सम्मानित किया, साथ ही साथ गौ माताओं को तिलक लगाकर गुड़ व माला पहनाकर उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त किया। नियंत्रित बाइक खंबे से टकराई, एक की मौत, दो घायल। बलरामपुर बाइक सवार 3 व्यक्ति तुलसीपुर से सहिया गांव में जा रहे थे। हरैया रोड करौंदा मोड़ के निकट बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के खंबे से टकरा गई और जमीन के बराबर से खंबा टूटकर गिर गया, जिससे बाइक चालक सोनू 35 वर्ष पुत्र हरिपाल निवासी भरसहिया थाना हरैया खंबे के नीचे सिर दब गया, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। बाइक सवार हेमंत कुमार 26 वर्ष पुत्र सुंदरलाल विकास 30 वर्ष पुत्र किशोरी निवासी पसकमा जिला लखीमपुर घायल हो गए। दोनों को उपचार हेतु स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी भेज दिया गया। थाना बर्रा के गुजैनी गांव में गाय को लेकर हुआ विवाद। आज के दिन गोपाष्टमी, फिर भी गाय को लेकर हो गया लोगों में विवाद। विवाद में कि बौखलाहट में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक पर सर पर मारी ईंट। ईंट लगने से युवक की हालत गंभीर। गाय को लेकर हुआ विवाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल।
करेक्ट टाइमिंग स्टार्ट हुई है। लेकिन भाई मुन्नी मारे चिटिया मारे मारे हो गई माता चू मैं नाटक कर जरूरी नहीं गलत करती है।